सीधे हम आपको ले चलते हैं जोधपुर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं और जयनारायण व्यास स्मृति भवन टाउन हॉल का लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे हैं। मेरा मतलब ये कहने का था, इन गर्मी का जो आपको तकलीफ हो रही है तो इंटरेस्ट जरूर देके मर जाना, सहन करना, मन में रखना। गर्मी तो लगी थी, अगली बार आओगे तो बिल्कुल ठंडा मिलेगा आपको। बल्कि आपको कहना पड़ेगा थोड़ा इनको ठंडा कम करो। बिल्कुल ज्यादा ठंडा कहीं नहीं, ज्यादा गर्म नहीं होता। तो कहना मतलब कि आज थोड़ी गर्मी लगे मेरे मालूम है, पर शनिवार आत्मा जयनारायण व्यास के नाम का हॉल हम गर्म करते हैं, हम वहां बैठे हुए हैं। ये तो बात रही है जो मेरी भावना थी बता दी। बाकी जो बिना के मालू जी ने, रवि वर्णा जी ने और कला जी, खुद कला मरण जी है, बहुत सुंदर शब्दों से बातें कही आपको, मैं उस पर ज्यादा ना तो दखल रखता हूँ ना मैं अधिकार रखता हूँ, कॉमन सेंस रखता हूँ खाली। और धर्म समझता हूँ कि कलाकारों का, साहित्यकारों का, लेखकों का सम्मान होना चाहिए। बस मैं उसमें विषय के नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं। तो मुझे खुशी है कि आज हम बैठे कोमल कोठारी चिराग विजयन देसा और देवीदास सामर वैसे उदयपुर के अंदर रेगमेंट बना हुआ है, जयपुर के कावरे थे, जोधपुर के थे, उन्होंने नाम कमाया। और नई पीढ़ी में अभी रवि वर्णा जी है, ये भी कम नहीं है, समझिए पूरी तरह समर्पित है, पागलपन की हद तक समर्पित है कला को, कलाकारों के लिए। अच्छी बात है, कोई तो व्यक्ति हो हमारे बीच में जो इस प्रकार की भावना रखता हो और जो समर्पित हो, प्रतिबद्ध हो, मुझे अच्छा लगता है कम से कम एक जो हमें अच्छा सलाहकार मिला हुआ है। और बिना के मानो जी बहुत प्रभावित है तो कम से कम इनके कान से काम आसानी हो जाता, बाकी काम रहता है, क्योंकि राजनीति में दखल रखते हैं। राजनीति में दखल रखना जरूरी होता है, दखल रखने वाला क्या है वो काम राजनीति वाला अलग तरह का होता है, हर एक बस के बाद में। कलाकार कहाँ घूमते फिर मंत्रियों के पीछे पीछे, मुख्यमंत्री मिलने के लिए टाइम मांगो, मिले नहीं मिले, अच्छा है राजनीति वाला काम कर लेगा भाई, ये अलग सेक्टर है। ये जो है उस रूप में ये सदैव अवेलेबल रहते हैं, रवि वर्णा जी रहते हैं। और ये एकेडमी का जब भवन बनाता था मैंने उद्घाटन किया था, जब रवि वर्णा जी अध्यक्ष थे उस पर, ये मेरा पिछला टर्म था, उसका पिछला टर्म था, मेरी याद नहीं है, पहला टर्म था मेरा 25 साल पहले। ये भवन बना नजदीक में है, उनका भी मैंने किया 2002 के अंदर, मुझे गर्व इस बात का रहता है। जैसे मैंने कहा कि मैं सम्मान करना मेरे मन में हमें एहसास रहता है, इसलिए उस वक्त मैंने 2 करोड़ रुपए का बिना मांगे हुए 2 कल्याण गुरु बनाए थे, एक तो पत्रकारों में साहित्यकारों में लिए, एक या 2 करोड़ बनाए और एक या 2 करोड़ बना मैंने कलाकारों के लिए बिना मांगे हुए बनाए, उस वक्त मेरी भावना थी। अब तो मैंने 2 करोड़ 100 करोड़ कर दिया, 100 करोड़ कर रहेगा इस बार कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए भी, और हमने कोई नहीं ध्यान रखा, बिना मांगे हमने 5,000 की डीमी डीम के लोग करी, क्योंकि घरों बंद थे वो लोग, लॉकडाउन लग गया तो मैंने ठेले वाले, रेडी वाले, पटरी वाले कलाकार या जो ट्रेन बहिर से आते रात को, सबको मैं जुड़वाया कनेक्ट के थ्रू, रात भर में 32 लाख लोग जुड़वाया, उनके 5 बार मैंने डीबीटी करी, 5,500 रुपये, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये करें। मैं उस वक्त मैंने इतना शानदार प्रबंधन किया कि देश में नहीं दुनिया में भीरोड़ा मॉडल का नाम हो गया, बहुत शानदार प्रबंधन हुआ था। कोक्षी में कोई नहीं मनाया था, बाकी बॉम्बे में, अहमदाबाद में, इलाहाबाद में लाशें जलती थी, क्या देखा आपने। तो कहने मतलब आज हम वहां बैठे रहे हैं
मुझे याद है कि 75,000 बार अंग्रेज शिफ्ट हो गई थी जयपुर, मैं एनएसयू का अध्यक्ष था उस वक्त, एनएसयू का अध्यक्ष था, धरना दिया था कलाकारों ने जोधपुर के अंदर, उस धरने में भी शामिल हुआ था, इस बात का मुझे गर्व है। वो ट्रेन जो जा रही थी यहां से शिफ्ट होकर जा रही थी, एमरजेंसी एमरजेंसी का माहौल ऐसा था कि हमारे हाईकोर्ट आनंदपुर में बैठा हुआ है, इसने जान दिया हाईकोर्ट के बेंच को जयपुर में, चले गए, मैं चली गई, मैंने प्रयास के नहीं जानी चाहिए, मैंने इंदिरा गांधी जी से बात करी उस आसाम के अंदर गुवाहाटी में था, मैंने शुरू में तो मुझे लगता था कि मुझे योगदान करना चाहिए, तो यहाँ जो पुरु जी की पिताजी और मधुर मधुर जी अस्तवाली पारे जी कई बड़े बड़े नेता थे, मतलब माथुर जी भी आगेवान बने हुए थे, मैंने प्रयास उसमें मैंने भी किया था, चली गई फिर भी एकेडमी चली जाती यहाँ कलाकारों की मेहनत से धरना हुआ नहीं गई, आज देखिए वो एकेडमी यहाँ है तो यहाँ बैठे हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे एक देश